अपना बिरयानी पैक कराता हूँ 20-20 की दो प्लेट और मस्त घर में आके खाऊंगा। तो बाहर से मंगा लूंगा, क्यों बनाना है। मम्मी का फोन है और मम्मी का चार्जर इसमें लगा दिया। तो राम राम जी, स्वागत है सभी का एक और न्यू व्लॉग में तुम्हारे अपने भाई के। तो आज देखो, अभी अभी जस्ट मैं स्कूल से आया हूँ और स्कूल से जैसे मैं सुबह लंच भी लेके नहीं जाता ना सुबह कुछ खा के जाता। तो आज का कुछ ये सीन है भैया, मुझे जैसे रोज हमारे घर में बनती थी बेकार चीजें, हरी सब्जी बन गई, भिंडी बन गई, तोरी बन गई, फलानी बन गई, अब सर्दी आ रही है तो पालक बननी शुरू हो जाएंगी। तो हमारे घर का कुछ ऐसे सिस्टम था, तो मेरे पे पड़े थे पैसे, तो मैंने सोचा अपना बिरयानी पैक कराता हूँ 20-20 की दो प्लेट और मस्त घर में आके खाऊंगा। अब देखो, बिरयानी तो मैं ले आया दो प्लेट 40 रुपए की, भर प्लेट पूरी, और घर आके पता चलता है कि मम्मी ने मेरे फेवरेट दाल चावल बना रखे हैं। मतलब जब मैं चाहता हूँ कि अच्छी चीज बने, जब बना मैं ना कोई सो भी, और जब मैं पहली प्लान करके कुछ लाऊं तो उसे भी चौपट करते हैं। तो अभी भी देख लो, अभी भी तुम्हें दिखाता हूँ मैं, अभी भी मम्मी हरी सब्जी काट रही है, दिखाता हूँ तुम्हें, दिखाना जरा ये देखो, अभी भी मम्मी पता नहीं कौन सी सब्जी काट रही है, क्या काट रही है, मिक्स वेज बनेगी शाम को, कितना बोला है बताओ, मिक्स वेज बन रही है, और इसलिए यही मिक्स वेज सोच के ही मैं बिरयानी लाया हूँ, तो मुझे लगा था बेकार चीज बनेगी। खाना तो बाहर से मंगा लूंगा, क्यों बनाना है मिक्स वेज, मिक्स वेज क्यों खानी है, मिक्स वेज नहीं पसंद ना मेरे को, देखो ये क्या क्या मिक्स होगा इसमें, ये क्या है, मैं सेम की फली, सेम की फली, ये देखो ये सेम की फली, और ये तुम्हारा क्या वो शिमला मिर्च, शिमला मिर्च, पनीर, कैप्सिकम, फूलगोभी, पनीर भी है, और ये देखो तुम्हारा यू फूलगोभी। तो इस तरह की कुछ मिक्स वेज बनेगी, तीन चार चीज और है, आलू प्याज टमाटर और मटर, थोड़ा सा चहर, एक एक चम्मच नूवान डल जाएगा वो, मैं अलग प्लेट अलग कटोरी में एक चम्मच नूवान डाल दी हूँ, हम ये ले नूवान डाल दी हूँ बस। तो गाइस देखो, अभी जस्ट मैं स्कूल से आया हूँ तो फटाफट कपड़े उतार लेता हूँ, और फिर कपड़े उतार के दूसरे कपड़े भी पहनूंगा भैया, ये बात ना, तो दूसरे कपड़े पहन के अपने खाना वाना खाते हैं। हाँ जी, तो गाइस देखिए, कपड़े हमने पहन लिए और भाई हमने खाना वाना भी सारा खा लिया। तो गाइस अभी जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक चीज अपनी ऑर्डर करी थी, अब मैंने क्या चीज ऑर्डर करी थी सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद दिखाऊंगा, उसके बाद मतलब बताऊंगा कि मैंने वो क्या ऑर्डर करी थी। तो गाइस देखो, एक ये जो सिस्टम है, ये मेरा ऑर्डर किया था मैंने अमेजोन से जो कि अभी आया है, इसकी पेमेंट मैंने कर दी, अब इसे खोल के दिखाता हूँ। वैसे तो आपको देख के पता ही चली गया होगा क्या होता है इसके अंदर सिस्टम, ठीक है जी। तो कैंची कहाँ है भाई, ये रही अपनी देखो कैंची, और फटाफट इसे फाड़ते हैं, और फटाफट फाड़ के चीज दिखाता हूँ कैसी है इसके अंदर। तो गाइस देखो, ये है एक एक्सटेंशन बोर्ड जिसकी मुझे बहुत सख्त जरूरत थी, क्योंकि मैं जैसे उधर पढ़ता था, ठीक है जी, तो बोर्ड काफी दूर पड़ता था, तो जैसे मेरा लैंप है जो वो बिजली से चलता है, तो उसका तार इतना दूर आ नहीं पाता था, और दो तीन जगह में इसकी जरूरत और भी थी। तो मैं सोचा क्या दुकान पर जाऊँ, जब अमेजोन हमारी जिंदगी में है तो अमेजोन से मंगा लिया जाए। तो भैया मैंने ये मंगा लिया, दिखाता हूँ और कैसा अंदर से ये। तो गाइस देखो, इसके यहाँ टेप वेप लड़ता, वो टेप तो मैंने निकाल दिया, और ये निकल रहा है या क्या बोलते हैं अपना एक्सटेंशन बोर्ड, अरे कहाँ फंस गया एक मिनट। तो गाइस देखो, ये बॉक्स से हमने सामान निकाल लिया अपना जो आया था, और ये अपना देखो कुछ ऐसा सिस्टम है भैया, ठीक है जी, ये अपना एक्सटेंशन बोर्ड है, क्या क्या नाम है इसका, गोल्ड मेडल, ठीक है जी, और इसका तार भी थोड़ा ठीक ठाक सही है, ठीक ठाक लंबाई भी है तार की, तो आराम से मेरा ये एक्सटेंशन बोर्ड उधर लग जाएगा, और फिर वहां से कनेक्शन भी आ जाएगा, और अपना वो चार्जर घुसा के अपना लैंप भी जल जाएगा, देखो जो मेरी अलमारी के ऊपर है, ठीक है जी। तो काम करता हूँ मैं, तुम्हें इसे खोल खाल के एक बार तुम्हें लैंप जला के दिखाता हूँ कैसा काम कर रहा है और कैसा लैंप जल रहा है, ठीक है। और देखो जी, यहाँ मैंने लगा दिया, इसमें ये मम्मी का फोन है और मम्मी का चार्जर इसमें लगा दिया, अभी फोन चार्ज करके दिखाता हूँ, उसके बाद जो अपने लैंप है वो लैंप भी आपको चार्ज करके दिखाऊंगा। और देखो, इसमें चार सॉकेट है इसे, और तार भी इसका ठीक ठाक लंबाई का है, ठीक है, आराम से खींच भी नहीं रहा, और मस्त बैठ बढ़िया काम हो जाएगा मेरे एकदम। अभी तो ये ऐसे बटन भी दबता है क्या, तो देखो गाइस ये अपना फोन जो है भैया मम्मी का, देखो चार्ज होने लगा, वहां से ऑन करने के बाद बटन, उसके बाद यहाँ एक बटन होता है, ये देखो जैसे ये ब्लू ब्लू सा, सॉरी रेड रेड सा है, इसे प्रेस करना होता है, उसके बाद चारों सॉकेट में जो है पावर आ जाती है। तो अभी जैसे फोन चार्ज हो रहा है, तो फोन के साथ साथ मैं आपको वो भी चार्जर दिखाता हूँ, अपना लैंप भी, लैंप चला के भी दिखाता हूँ आपको। तो गाइस देखिए, ये हमारा फोन तो कनेक्ट था ही इसके साथ, मेरा ये स्टडी लैंप था, मैंने ये भी कनेक्ट कर दिया, और देखो ये अंदर से चल भी रहा है, अब इसमें थोड़ी चार्जिंग कम हो गई है, ये ऑफ कर देता हूँ मैं, ठीक है जी। तो अब देखता हूँ, देखो वहां से तो देखो ये बटन इसका ऑन ही है, बस अब कुछ नहीं करना, अब ये वाला जो बटन है ये दबाना है, प्रेस करना है, अब देखो जी फोन चार्ज होना शुरू, और अपना लैंप भी शुरू, और इसकी रोशनी भी दिखाता हूँ तुम्हें। अब देखो यहाँ से इसके अंदर से रेड लाइट जलने लगी, और ये तुम्हारे भाई का लैंप चलने लगा, ठीक है जी।
मतलब भाई देखो कुछ ज्यादा लाइट तो नहीं है एकदम इसकी जगह मगर, पर हाँ जितने प्राइस रेंज का ये आया है उस हिसाब से बहुत बढ़िया। मतलब समझो जैसे अगर इसको मैंने इधर पे ऐसे लगा दिया उस कोने में तो इस पूरे टेबल पे अच्छी रोशनी दे देता। रुक जाओ मैं तो मैं लाइट बंद करके दिखाता हूँ एक बार। ये देखो सही लाइट बंद हो गई, ये देखो। तो समझो यहाँ मैंने लैंप रख दिया, ये देखो। तो जितना यहाँ मेरी सारी किताबें हैं सब पे बढ़िया लाइट जा रही है एकदम। तो एकदम बढ़िया प्रोडक्ट है ये, गोल्ड मेडल का। किसी को लेना हो तो ले लेना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो ले लेना। बढ़िया प्रोडक्ट है एकदम, मस्त प्रोडक्ट है, ठीक है जी। तो गाइस देखिए जैसे कि आज जो थी हमारे पिताजी की छुट्टी थी, तो आज वो दोपहर में तो वो नहीं थे, दोपहर में वो किसी काम से गए थे। तो लेकिन जब वो आए थे तो उस वक्त मैं पढ़ रहा था, तो वो एक ना चीज लेके आए। जैसे कि आपको पता होगा कि हमने अपने मंदिर में लड़ियां लगाई थी, तो क्या हुआ ना वो लड़ियों का किसी की एक लड़ी तो पूरी खराब हो गई, फिर एक लड़ी जो है उसके एक 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 बल्ब बीच में से खराब हो गया। तो इससे परेशान होकर आज पापा वो एलईडी स्ट्रिप आती है ना और गोल्डन कलर की, वो ले आया एलईडी स्ट्रिप। तो वो पापा ने मतलब ज्यादा खर्चा गया लग पाई उसके लिए, पापा अलग सी लाएंगे, दो तीन और आएंगी, पर अभी देखो एक लगाई हमने, उस एक से हमारा मंदिर इतना झगरमगर कर रहा है। मैं कह रहा था ना लड़ी लगाने के बाद बस लड़ी का बटन दबा दो पूरे कमरे में रोशनी है, बल्ब भी रोशनी उसकी तो लड़ियों से भी ज्यादा रोशनी है। मैं तुम्हें चल के दिखाई देता हूँ, चलो। तो भाई देखिए मैं मंदिर वाले कमरे में आ चुका हूँ, ठीक है जी। और देखो ये हमारा इलेक्ट्रिक टेप है जिससे हमने वो लड़ी बड़ी बांध दी है और आपको रोशनी भी आई होगी। तो देखो भाई कुछ इस तरह का व्यू आ रहा है हमारे मंदिर का। हमने आसपास इसके बॉर्डर्स पे अभी तो और कुछ अंदर जगहों पे ये गोल्डन कलर की देखो ऐसी एलईडी स्ट्रिप लगाई है, क्योंकि भाई देखो जैसे देखो दिवाली आ रही है। तो वैसे तो हमारे घर भगवान का ही घर है, लेकिन फिर भी ना एक मंदिर भी तो सजना चाहिए, हमारा मंदिर भी अच्छा लगना चाहिए। तो देखो अंदर भी पूरी ऐसी गोल्डन गोल्डन सी लाइट सी लगा रखी है, बिल्कुल बढ़िया जगरमगर कर रही है। देखो पापा कह रहे हैं दो तीन और लाएंगे, दो और आएंगे, एक इधर लगेगी और एक नीचे इधर इस तरफ लग जाएगी। और लड़ियां पता नहीं कहाँ फेंक दी, लगता मम्मी ने फेंक दी या ऊपर रख दी, देखो वो लड़ियां तुम्हें देख रही होंगी। तो एक बार तुम्हें लाइट बंद करके दिखाता हूँ कितने रोशनी कर रहा है। ये देखो ये लाइट भी बंद और ये लाइट भी बंद, ये देखो, और गेट भी बंद कर रहा हूँ मैं, ये देखो पूरा कमरा इन्हें ऐसा रोशन कर रखा जगरमगर इस अकेली एलईडी स्ट्रिप ने। भाई कसम से मजा आएगा, सोचो अभी एक ने ये हाल कर रखा है, अगर दो तीन आ गई तो कितने बढ़िया मजा आ जाएगा एकदम बढ़िया। और कल तो करवा चाहो सही तो पटाखे फोड़ के कर दी, दबा दे भी दबा दो रॉकेट स्काई शॉट सब, ठीक है जी। तो कल वाले ब्लॉग के लिए भी ध्यान तैयार रखना और दिवाली वाले ब्लॉग के लिए भी सब्सक्राइब कर लो।